हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ सारे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स। ये सारे न्यू लॉन्चेस है ब्लू हेवन के और ये बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने सिंपल सा मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है ये सारे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट यूज करके, तो प्लीज देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर दबाइएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ सारे प्रोडक्ट ब्लू हेवन के प्रोडक्ट यूज करके। ये न्यू लॉन्च है, पे मैं फर्स्ट इंप्रेशन और मिनी रिव्यू देने वाली हूँ ये सारे प्रोडक्ट के बारे में। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज करूंगी। इसमें 7 शेड्स आते हैं, पैकेज के ऊपर ही शेड्स के नाम के साथ मेंशन किया हुआ है और शेड्स के साथ यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये पिंक अंडरटोन है या फिर येलो अंडरटोन है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है चूज करने के लिए आपका कोई भी शेड होता है। इसमें SPF 25 PA++ है। तो इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज और इसकी क्वांटिटी है 30 ml। ये लाइक एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है सभी फाउंडेशन के लिए। तो इसकी मैं पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस बॉटल गाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस पैकेजिंग, क्योंकि ग्लास बॉटल है, पंप के साथ आता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। बट आई फील ये शेड नॉट आई फील ये क्लियरली दिख रहा है कि मेरे शेड से बहुत लाइट है। हनी टैन या कैरेमल भेजना चाहिए था इन लोगों को मुझे, बट दैट्स ओके। चलो हम ट्राई करते हैं। तो ये साइड मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है मेरे लिए। इन लोगों को PR भेजने से पहले ना एक बार पूछ लेना चाहिए कि कौन सा शेड भेज रहे हैं। तो क्लियरली विजिबल है कि ये शेड मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है ऑब्वियसली, लेकिन हम कवरेज वाइज टेक्सचर वाइज बात करेंगे। लाइट वेट है, येस आई कैन फील दैट। बहुत लिक्विडी है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्डेबल है, लेकिन ऐसे पैची नहीं दिख रहा है बिल्ड करने के बाद भी। तो दिख रहा है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। स्पंज से ब्लेंडिंग थोड़ी नेचुरल है, सो आई वुड प्रीफर ब्लेंडिंग विद स्पंज। थोड़ा मैट फिनिश देता है और जल्दी सेट हो जाता है, सो यू हैव टू बी लिटिल क्विक टू ब्लेंड। बट इसमें सिर्फ 7 शेड्स आते हैं, आई थिंक दे शुड कम अप विद सम मोर शेड्स। बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं है, लाइक कैरेमल इज द लास्ट शेड फॉर डस्की पीपल, और उससे और डार्क के लिए शेड्स नहीं है, विच इज अ बैड थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लेंडिंग वाइज अच्छा है, लाइट वेट है, पोर क्लॉग नहीं करता है, उतना एनहेंस भी नहीं कर रहा है, इट्स नॉट दैट विजिबल। मैंने यहाँ पे कोई प्राइमर नहीं यूज किया है, लाइट वेट है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, पंप पैकेजिंग है। 200 रुपीज में इस तरीके की पैकेजिंग इज रियली वर्थ। लाइक ये नेचुरल मैट फिनिश दे रहा है, विच इज रियली गुड। कवरेज वाइज हाई कवरेज नहीं बोलूंगी, मीडियम कवरेज है, लोडो मीडियम कवरेज है, इट इज बिल्डेबल, इट डजेंट लुक पैची, विच इज ये। सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव रिसीव्ड इज दिस वन। दिस इज ब्लू हेवन HD ऑल इन वन मेकअप स्टिक, और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 150 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 10 ग्राम, और ये 6 शेड्स में आता है, वेनिला, क्रीम, हनी, कैरमल, टॉफी, चॉकलेट। द वन विच हैव गॉट इज दिस हनी मीडियम। मेरे ख्याल से मुझे कैरमल ज़्यादा सूट करता है क्योंकि मैं वीटिश हूँ। आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस विद द पैकेजिंग। ब्लू हेवन वालों ने इस बार बहुत अच्छी पैकेजिंग की है। लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्यारा है। तो ये कंसीलर स्टिक है, तो मैं अपनी आईलिड पे लगा लेती हूँ, लेट्स सी। और जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ कवरेज के लिए लगा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, आई फील फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। नाइस, नॉट बैड। और ये HD फाउंडेशन के ऊपर ना बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, कवरेज भी अच्छा है। बस सारी चीज़ें ना मेरे शेड से थोड़ा लाइट है, दैट इज़ ओनली द ड्रॉबैक, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस। और इस बार ब्लू हेवन ने पैकेजिंग ये सब बहुत अच्छे से की है, आई मीन लाइक क्लासी पैकेजिंग है, अच्छा काम किया है ब्लू हेवन वालों ने इस बार। इन दोनों में एक चीज़ मैं बोलूँगी, इसमें ज़्यादा डार्कर शेड भी अवेलेबल है, पर इसमें लास्ट शेड जो था वो कैरमल था, पर इसमें कैरमल के बाद टॉफ़ी, चॉकलेट और भी डार्कर शेड दो हैं, तो इसमें ज़्यादा डार्कर शेड है दैन दिस वन।
So coming to the next product is this one. So this is a Blue Heaven Oil Control Compact Powder और इसका जो shade है वो है Honey Medium. इसमें भी SPF 25 PA plus 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 है. ये matte finish देता है. Special shine control formulation है. Packaging मुझे बहुत ही cute लगी. And you get such a huge mirror. और उसके साथ ये puff and then powder. Generally compact powder के जो mirror होते हैं ना बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं. लेकिन ये वाला अच्छा है, बड़ा है, बहुत ही बड़ा मिरर है. और इसमें लिखा भी है ऑयल कंट्रोल. सो आई एम जस्ट सेटिंग ऑफ माय फेस. इसका जो प्राइस है वो है 165 रुपीज़. और ये शेड है हनी मीडियम 301. आई थिंक मुझ पे कैरमल ज़्यादा मैच करेगा दैन हनी वन. सो कॉम्पैक्ट का एक प्लस पॉइंट कि इसमें किकबैक नहीं फील हुआ. अच्छा है, प्रेस पाउडर है, बहुत ही फाइन पाउडर है. सेट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा था. बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर है, नहीं तो कुछ कुछ पाउडर होते हैं ना लाइक जब तुम डस्ट ऑफ करते हो बहुत ज़्यादा किकबैक देता है. बट दिस डजंट गिव दैट फील. तो ये ओवरऑल मुझे अच्छा लगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज अ ब्लू हेवन ब्राउ परफेक्ट आईब्रो एनहांसर पेंसिल प्लस कॉम्बो. और दिस इज इन द शेड Ash Grey. तो ये स्मच प्रूफ है, वॉटर प्रूफ है एंड स्टेज अप टू 12 आवर्स. ये ड्यूअल टाइप है. वन साइड यू गेट अ स्पूली एंड वन साइड यू गेट दिस पेंसिल टू फिल योर आईब्रोज. यार 200-150 रुपये वाले फाउंडेशन इतनी अच्छी फिनिश देंगे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. ओके, सो दिस रिटेल फॉर रुपीज़ 175 रुपीज़. और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 0.3 ग्राम्स, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट. Can you see the difference? So coming to the next product, this is a Blue Heaven Intense Kajal Plus Liner Duo Jet Black. This retails for rupees 225 rupees. और इसमें जो quantity है वो है eyeliner की 0.55 ml और kajal की 0.3 gram. क्योंकि ये dual है, इसमें kajal भी है और eyeliner भी है, तो ये 2-in-1 kind of product है. One side you get this retractable kajal and another side you get this eyeliner. First हम यहाँ पे काजल यूज़ करेंगे अपने waterline के लिए. By the way मैं ये आधी रात को शूट कर रही हूँ. हाँ, दिन में मेरे बच्चे शूट नहीं करने देते हैं और बहुत सारा काम होता है. ओके, तो मुझे दिन में टाइम नहीं होता. अभी वो सब सो रहे हैं दूसरे रूम में, मैं उनको सोता हुआ छोड़ के शूट कर रही हूँ. नाइस ना, कितनी मेहनती हूँ मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है और कुछ नहीं. वैसे लगाने में मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा ड्राई काजल है, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी स्मज नहीं होगा. हम टेस्ट कर लेते हैं. जेट ब्लैक. तो दूसरी साइड यहाँ का हम आईलाइनर यूज़ करेंगे. वैसे काजल और आईलाइनर जो है बिल्कुल भी इरिटेटिव नहीं फील हो रहा है मेरे आँखों पे. देखो मैंने आँख पूरी खोली और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इतनी जल्दी ड्राई हो रहा है. क्विक ड्राइंग में क्या होता है ना, एक पॉजिटिव बात भी होती है और नेगेटिव बात भी होती है. पॉजिटिव ये कि मतलब ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है, मतलब अच्छी बात है. लेकिन नेगेटिव बात ये कि लगाते टाइम भी थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि टिप जो होती है ना वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. दिस इज़ ऑल्सो जेट ब्लैक. काजल यहाँ पे मैंने लगाया था और मैं ये स्मच करके दिखा रही हूँ. यहाँ पे मैं प्रेजर अप्लाई कर रही हूँ और इतना स्मज करने के बाद भी बहुत ही टाइनी माइनी सा स्मज हुआ है. अभी भी काजल दिख रहा है, तो उतना ज़्यादा स्मज नहीं हो रहा है. सो ये इट इज़ अ स्मज प्रूफ. अनदर वन इज़ अ लाइनर, इट हैज़ टू गेट ड्राई, तब मैं स्मज करके दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा स्मज हो रहा है कि नहीं. आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट कि इसमें काजल भी और आईलाइनर भी है, कि तुम्हें दो दो चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. बस एक ये बैग में डाल दो, काजल और आईलाइनर. Sorted. So coming to the next product is this Blue Heaven ka Extreme Length Mascara Defined Long Lashes and this retails for only rupees 150. यार 150 में तुम्हें मस्कारा मिल रहा है, मतलब बहुत कम है प्राइस और पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इसका जो वॉन्ड है वो ऐसा कुछ आता है. मैं एक आँख पे लगा के दिखाऊंगी तुम्हें डिफरेंस, ठीक है? कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? इसमें मैंने मस्कारा लगाया है और इस पर नहीं. मतलब मैं मस्कारा बहुत अच्छे से लगाती हूँ और उसके बाद भी यहाँ वहाँ ना थोड़ी छींटे लग रही है, थोड़ा लाइक गंदा हो रहा है. तो मुझे लाइक क्लीन करना पड़ रहा है नीचे ऊपर थोड़ा.
मस्कारा मुझे थोड़ा ओके ओके लगा, अगर तुम जल्दबाजी में और ये मस्कारा लगा रहे हो तो पक्का यहाँ यहाँ छींटे पक्का लगनी है और तुम्हें क्लीन करते रहना है। तो हाँ, क्विक ड्राइंग है, ऑब्वियसली क्विक ड्राइंग है, आई एग्री। पर इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा रनी है, बहुत ही ज़्यादा वॉटरी है। आई थिंक थोड़ा सा थिक फॉर्मूला होना चाहिए। थिक फॉर्मूला से क्या होता है, यहाँ छींटे नहीं पड़ती है और ईजिली अप्लाई हो जाता है, और उतना क्लम्पी फील फिर भी नहीं होता है थिक फॉर्मूला में भी, वो अच्छे से हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। इसका थोड़ा रनी फॉर्मूला है तो यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत छींटे पड़ती है, थोड़ा सा मेसी हो जाता है, विच आई फील इज बैड। तो मस्कारा मुझे थोड़ा ओके ओके लगा है, बट प्राइस पॉइंट देखे और फॉर्मूला और पैकेजिंग देखे तो दिस इज वर्थ द मनी। सो कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस लिपस्टिक। दिस इज अ ब्लू हेवन इंटेंस मैट लिपस्टिक। दिस इज इंटेंस मैट लिपस्टिक। सो दिस इज इन द शेड पिंक रश 306। ओके, बहुत फूशिया पिंक कलर है। टाइप के कलर जो होते हैं ना, लाइक फूशिया पिंक, थोड़ा समरी लुक, बीची लुक, ऐसा फील कराता है। येस, इट इज मैट, इट इज ट्रांसफर प्रूफ। नो, इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ये अच्छे से ट्रांसफर होता है, प्रूफ यहाँ पे है। बहुत ही बटरी फॉर्मूला है, जस्ट लुक एट दिस। इसमें भी बहुत सारे शेड्स रेंज है, आप देख सकते हैं, आपको जो शेड पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें भी वैरायटीज ऑफ शेड्स हैं। नेगेटिव पॉइंट जो इस लिपस्टिक के बारे में ये है कि ये कंप्लीट लिपस्टिक है, ओके, और ये नीचे करने के बाद बस यहीं पे रुक जाता है और नीचे नहीं जाता है। और नीचे नहीं जाने से क्या होता है कि तुम जब जल्दीबाजी में होती हो और कैप यहाँ पे ऐसे डालते हो ना, तो बाई मिस्टेक तुम यहाँ पे लिपस्टिक को तोड़ सकते हो। तो अगर ये पूरा अच्छे से नीचे चले जाता तो ये लिपस्टिक बच सकती है, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, एकदम से ढपैक करके डाल देते हैं। इसका प्राइस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स के लिए है, ये वाला जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा है, पंप के साथ है, पैकेजिंग वाइज इट्स रियली नाइस। शेड वाइज इसमें सिर्फ 7 शेड आते हैं, इसमें थोड़े और शेड्स आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और स्पेशली समर टाइम पे तुम्हें थोड़ा लाइट वेट फॉर्मुलेशन चाहिए होता है। तो ये लाइट वेट है, नॉन क्लॉगिंग है, और इसमें SPF है, बिल्डेबल कवरेज है। कवरेज के लिए मैं बोलूँगी लो टू मीडियम कवरेज है। अगर आप फुल कवरेज के लिए जा रहे हो तो दिस इज नॉट अ राइट फाउंडेशन फॉर यू। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें ज़्यादा डार्कर शेड है देन दिस वन। इसमें 6 शेड है, इसमें 7 शेड है, पर इसमें डार्कर शेड ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कॉम्पैक्ट की। इसका पैकेजिंग, आई मीन सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा सही है, और इस कॉम्पैक्ट का जो मिरर है एकदम लाइक फुल साइज मिरर है, विच इज अ ये, और 165 रुपीज़ के लिए सही में बहुत ही सही है। नेक्स्ट आईब्रो एनहैंसर, ये मुझे बहुत ही सही लगा आईब्रो फिल करने के लिए, लाइक अच्छे से इसका जो शेप है ना बहुत ही ज़्यादा सही है, और लास्ट में यहाँ पे स्पूली आती है सो यू कैन ब्रश इट ऑल्सो। तो लेकिन इतने सस्ते में इस टाइप की आईब्रो पेंसिल विद स्पूली सही है। नेक्स्ट ये काजल भी डाला है ना, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काजल का जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा सही है। जो आईलाइनर का फॉर्मूला है थोड़ा ड्राइंग है, तो तुम्हें थोड़ा सा क्विक होना है, नहीं तो जो उसकी टिप होती है ना जल्दी ड्राई हो जाती है, अदरवाइज जल्दी से अप्लाई करने के बाद ना कैप लगा दो, नहीं तो उसकी जो टिप होगी ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगाया था एंड सी आई एम रबिंग इट। तो काजल, आईलाइनर दोनों ही स्मच प्रूफ है। नेक्स्ट है मस्कारा। मस्कारा के लिए लाइक मुझे मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे लाइक ओके ओके लगा है। बहुत ही ज़्यादा रनी फॉर्मूला है, तो क्या होता है ना जल्दी में लगाने की वजह से यहाँ पे हर जगह यहाँ पे थोड़े डॉट 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 आ जाते हैं। थोड़ा सा तो थिक फॉर्मूला होना चाहिए था कि लगाने के टाइम पे ना पीछे की तरफ थोड़ा गंदा ना हो। अगर आप आई मेकअप लगा रहे हो और इस टाइप का मस्कारा लगा रहे हो तो स्पॉइल होने के चांसेस हैं। तो मस्कारा के लिए आई वुड नॉट प्रिफर। द लास्ट प्रोडक्ट इज लिपस्टिक। मैट है, ट्रांसफर होती है, अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बटरी फॉर्मूला है। ओनली वन ड्रॉबैक विच आई डिडंट लाइक इज ये कम्प्लीटली अंदर नहीं जा रहा है, टूटने के चांसेस है। अदरवाइज द फॉर्मूला, एवरीथिंग कम्फर्टेबल वाइज, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर। तो इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। सारे बजट फ्रेंडली है, बहुत ही सही है, फॉर्मूला वाइज भी बहुत सही है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नोटिफिकेशन बेल बाजू में है उसे जरूर दबाइएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।